मोबाइल रिपेयरिंग विद आरपीपी, मोबाइल रिपेयरिंग विद आरपीपी, मोबाइल रिपेयरिंग विद आरपीपी, मोबाइल रिपेयरिंग विद आरपीपी। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नई वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे EMMC जो IC होती है या UFS 2G 3G 4G 5G किसी भी मोबाइल का आपके पास में EMMC है या UFS है तो आप उसे कैसे रिवॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको EMMC की रिवॉल्विंग अच्छे से आएगी, हर एक पॉइंट पूरा। अभी जो हमारा बैच है 12 मार्च का जो बैच है फुल है, अभी जो बुकिंग चल रहा है 12 अप्रैल और मई की बुकिंग चल रही है। अब है क्या कि ईद भी आ रहा है, ठीक है ना। ईद जो आ रही है, जो भाई आना चाहते हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, 12 तारीख को ईद के बाद आप आना चाहते हैं तो 12 से 15 के बीच की अप्रैल की आप अपना कभी भी बुकिंग करा सकते हैं और उन डेटों में आपको आना है जिसकी बुकिंग है। लेकिन बुकिंग आपको अभी करानी होगी क्योंकि बुकिंग अभी जो अप्रैल का चल रहा है 12 से 15 अप्रैल का। टोटल फीस जो हमारा 21,900 रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री है। जो कोर्स दूसरी जगह 25-30-40-35-50 हज़ार रुपये में होता है वही कोर्स हम आपको इतने में सिखा रहे हैं। बहुत सारे भाई ये सोचते हैं कि फीस कम लेते हैं, कम सिखाते हो गया, ऐसा नहीं है। फीस तो कम सिर्फ हमने आपके लिए कर रखी है जो कि बच्ची हुई पैचेस से आप अपना टूल्स खरीद सकें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि हम किसी भी EMMC को कैसे निकालें, कैसे रिवॉल्व करें और यहाँ पे इसकी क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद EMMC IC जो है या UFS है तो इसको कैसे बाहर निकालें। तो इसे बाहर निकालने के लिए आपको जो है इसके ऊपर ना पेस्ट लगाना है। तो इसे साफ करेंगे अच्छे से, फिर इसके बाद इसमें आराम से आपको काम करना है ध्यान से। अब इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, पेस्ट लगाने के बाद इसको हीट करेंगे और किस तरीके से निकालेंगे वो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। बहुत सारे भाई ये सोचते हैं हमारे यहाँ पे जो फीस है सबसे कम रहता है, इसका कारण क्या है। देखिए मेरे भाई, फीस कम जो है ना इसका कारण बस कुछ नहीं है, ये है जिनकी छोटी छोटी दुकानें होती हैं, गरीब या नॉर्मल परिवार से होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है तो वो काम कैसे सीखें। अब सबका फीस बराबर हो जाए तो काम कैसे सीखेंगे, नहीं सीख पाएंगे ना। तो इसलिए हमने जो फीस कम किया है और जो बचा हुआ पैसा होता है तो आप उससे अपना टूल्स खरीद सकते हैं, जो कि हम हर वीडियो में बताते हैं, हमारे स्टूडेंट भी बताते हैं। इस समय SMD का टेम्परेचर हम कर लेंगे 400 के करीब, क्योंकि हमारे पास जो SMD हॉकी 122 है इसके ऊपर पेस्ट रखेंगे। 122 SMD से जो है इसको हीट करेंगे अच्छे से और इसको उठा लेंगे। और चिमटी जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, उसके जो पॉइंट होते हैं आगे से वो टेढ़े नहीं होने चाहिए, तो उनके जो पॉइंट है बिल्कुल सीधे होने चाहिए जिससे कि हम IC को पकड़ के आराम से उसको बाहर निकाल सकें और उठा सकें। अब IC के ऊपर हीट देना है, कम से कम आपको देना 30 से 40 सेकंड तक, ठीक है। इसके ऊपर हीट देंगे, हीट देने से क्या होगा कि जो IC है ना इसके नीचे का सोल्डर जो PPD होता है वो मेल्ट हो जाएगा। जब IC हिलने लग जाती है तो इस IC को हमें आराम से उठाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। आप ये ना सोचें कि थोड़ा देर हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान से आराम से काम करना, बड़े ध्यान से। अब IC के आसपास जो कंपोनेंट होते हैं ना उनको हम चेक करते हैं कि उनके शोल्डर मेल्ट हो गया। देखिए यहाँ पर दिख रहा है ना साइडों में जो चमक आ रही है, मेल्ट हो चुका है। तो IC को हम उठा लेंगे, अब इसको चिमटी से पकड़ के हीट करेंगे चारों तरफ। जैसे कि आपका हैंडल जब रुक जाता है ना, जब हैंडल रुक जाता है तो क्या होता है कि जो इसका शोल्डर है वो जाम हो जाता है, जम जाता है वहीं पे, मेल्ट हो जा, मेल्ट जो होता है ना वो ठंडा हो जाता है। तो IC के चारों तरफ फिर से हीट घुमाएं और हीट घुमाने के बाद फिर IC को देखना है। IC हिलता है तो आपको प्यार से उठा लेना है आराम से, कोई जल्दबाजी। अब होता क्या है, इनमें कुछ पॉइंट होते हैं, देखिए IC हिल रही है, IC को उठा लिया आराम से, ठीक है। अब साइड में जो कंपोनेंट होते हैं उन पर भी ध्यान देना होता है, कोई निकल ना जाए, कहीं गल ना जाए, तो वो थोड़ा सा हो जाते हैं लेकिन बाद में आप उन्हें सेट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ थोड़ा सा क्लीन करें इसे हल्का सा, ठीक है। अब इतना कर लिए, अब एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, गर्म मदरबोर्ड पर आपको कुछ भी नहीं डालना है। देखिए IC की वॉल पर भी देख रहा हूँ और EMMC में देख रहा हूँ, इसमें कुछ गंदगी फंसी हुई है, ठीक है, गंदगी फंसी हुई है। EMMC बिल्कुल अच्छे तरीके से निकल चुकी है। अब क्या करते हैं, मदरबोर्ड को थिनर से क्लीन करें या IP से, जो भी आप यूज करते हैं पेट्रोल IP, अब इसको क्लीन करें।
ठीक है, इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अब क्लीन करने के बाद क्या होगा कि जो भी इसमें डस्ट, मिट्टी या पानी, गंदगी जो भी है वो साफ साफ हो जाएगा। देख सकते हैं आप साफ हो चुका है। इसको थोड़ा सा किसी कागज़ से या किसी पेपर से आप इसको क्लीन करें, जो इस पर थिनर है वो क्या होगा कि हमारा जो है आ जाएगा कागज़ के ऊपर, बोर्ड हमारा फ्रेश हो जाएगा। अब इसके बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हमें पेस्ट रखना है। पेस्ट रखने के बाद क्या करेंगे, जो हमारा डीसोल्डर वायर जो है, डीसोल्डर वायर को हम पेस्ट के साथ मदरबोर्ड पे क्लीन करेंगे। डीसोल्डर वायर और इसको जब यहाँ पे क्लीन करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि मदरबोर्ड में ना पहले आपको पेस्ट रखना है, और डीसोल्डर वायर को रख के आपको तुरंत नहीं घुमाना। डीसोल्डर के वायर के ऊपर जब आयरन आपका हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो यहाँ पेस्ट अच्छे से लगाना है। थोड़ा सा बोर्ड को ऊपर करें हल्का सा, अब इसमें हम जो है यहाँ पेस्ट रखेंगे इसमें आराम से। यहाँ ठीक है, बहुत ऐसे जैसे आप देख रहे हैं इतना पेस्ट रख देंगे। इस पर पेस्ट की कोई कंजूसी नहीं करनी है। फ्लेक्स पेस्ट क्या होता है कि जो प्रिंट होते हैं वो उखड़ते नहीं हैं। आयरन का टेम्परेचर इस समय हमारा जो है 400 के करीब है, 390 के आसपास रखेंगे। अब डीसोल्डर वायर को यहाँ पर जब रखेंगे, आयरन इसके ऊपर रखना है कम से कम 10 सेकेंड तक। उसके बाद डीसोल्डर वायर को खींचना, आयरन से ताकत नहीं लगानी है। आयरन का काम होता है जो इस पर PPDS सोल्डर रहता है उसको मेल्ट करना, और डीसोल्डर वायर का काम होता है जो यहाँ पे मेल्ट जो होता है उसको अपने ऊपर लेना। बस इसको ऐसे रखे रखेंगे। रखने के बाद डीसोल्डर वायर को हल्का हल्का पीछे खींचेंगे इस तरीके से, हल्के हाथ से, है ना। आयरन से आपको ताकत नहीं लगानी है बिल्कुल भी। अब इसकी जो सफाई करते हैं, आप ये ना सोचें जो इसमें चमक है वो ख़त्म हो जाए। इस पर जो चमक है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस पर जो सोल्डर है वो हट जाना चाहिए। देखिए इस तरीके से कुछ पॉइंट जो बचे हैं एक बार उस पर फिर से घुमा देंगे उसी लाइन में, यहाँ से हल्के हाथ से। यहाँ पर ध्यान से काम करना है आपको, बड़े हल्के हाथ से काम करना है, ताकत का इसमें कोई काम नहीं है। यदि आप इसमें ताकत लगाते हैं या इसको ज़्यादा साफ करते हैं 4-6 बार, तो इसमें क्या होता है प्रिंट निकलते नहीं है, वो आपस में शॉर्ट हो जाते हैं, उनके भी समाधान होते हैं। लेकिन कोशिश करनी है बहुत हल्के हाथ, लाइट वेट, तो आपको ताकत से आयरन नहीं लगानी है बिल्कुल भी। आयरन को रखते हैं, उसके कुछ सेकंड के बाद आपको यहाँ पर घुमाना होता है आयरन को रखने के बाद, क्योंकि जब आप जैसे ही सोल्डर रखेंगे इस पर और आयरन को तुरंत करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे ना प्रिंट से जम जाता है और प्रिंट उखड़ जाते हैं। बहुत हल्के हाथ से, प्यार से आपको करना है इसमें। देखिए ये साफ, हाँ इधर थोड़े से पॉइंट है इसी कोने में सीधे हाथ की तरफ, बस अब ये साफ हो चुका है। अब इसे हम कागज़ से या थिनर से क्लीन करेंगे इसे। बीच में नीचे लाओ थोड़ा सा, बस इतना करना है, इसके अंदर इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब इसको क्लीन करें, क्लीन करने के बाद देखते हैं कहीं थोड़ा सा सोल्डर या जो PPDA वो कहीं लगता है तो एक बार फिर से आप हल्के हाथ से कर सकते हैं, सिर्फ हल्के हाथ से। देखिए अब यहाँ पे क्लीन हो चुका है, एक दो पॉइंट है उस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाते हैं, फिर से आयरन रखना है बीच में है। तो ये पॉइंट जो है ना आपको ध्यान से करना। आप वीडियो थोड़ा देखो लंबे इसलिए हो जाते हैं क्योंकि सारी बातें बतानी होती हैं अब करने को, तो इसमें 2-1 मिनट का काम है कि जल्दी से इसे कर दो। लेकिन है क्या है वीडियो के माध्यम से आपको समझाना और बताना, जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकें। और जो डीसोल्डर वायरस को कट कर देंगे, देखो आगे से जैसे कि जो डीसोल्डर वायर भर जाता है ना उसको आपको कट करना है, जिससे कि स्क्रेच मदरबोर्ड पर ना आए। तो इसमें डीसोल्डर वायर की आपको बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी है। देखिए अब डीसोल्डर वायर जैसे रखेंगे तुरंत नहीं खींचना, थोड़ी देर रखो इस पर, पेस्ट डालने के बाद में रखेंगे। आयरन, आयरन ऑन है, हाँ आयरन देखिए हीट है। हल्के हाथ से, बिल्कुल हल्के हाथ से करना है इस पर।
देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं अच्छे से आराम से। अब इसको क्लीन कर देते हैं। अब बोर्ड का काम हमारा ख़त्म हो चुका है, बचा आईसी का काम। तो आईसी को पीसीबी स्टैंड में फंसाने के बाद इसको क्लीन करेंगे। देखिए फुल स्टेप बता रहे हैं, हर एक पॉइंट बता रहे हैं। अब देखिए वीडियो से होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप सीख जाएं, आप काम करने लग जाएं। इसमें क्या होता है कि जब आप यहाँ पे आते हैं तो अपने हाथों से प्रैक्टिकल करते हैं और हम देखते हैं कहाँ गलती हो रही है। तो वीडियो तो एक फिल्म होती है जिससे कि आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या नहीं सिखा रहे, क्या है कैसा है, वो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाती हैं। तो इसी तरीके से आप सीखना चाहते हैं अपने हाथों से सारा काम, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आप ये ना सोचें फीस कम है तो कम सिखाएंगे, पूरे चीज़ सिखाएंगे, कंप्लीट सिखाएंगे, बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। आईसी के प्रिंट बनाना, कहाँ पे क्या करना है, सारी चीज़ें। अब इसके ऊपर हम थिनर डाल के थोड़ा सा ऐसे क्लीन करेंगे ब्रश से। देखिए इसको क्लीन किए अच्छे से करेंगे। देखिए यहाँ पर निकल चुका है सारा जो गंदगी है, हाँ निकल चुकी है। अब इस पर हम थोड़ा सा कागज़ से या किसी पेपर से इसका जो ऊपर थिनर है उसको सोख लेंगे। सोखने के बाद इसमें डालना है पेस्ट और घुमाना है डी शोल्डर वायर बहुत हल्के हाथ से। कहीं प्रिंट जब शॉर्ट होते हैं, जब मिलते हैं, उसका मतलब ये होता है कि जो ग्रीन कलर की आप लेयर देख रहे हैं ना, पानी से गल जाती है या कमज़ोर हो जाती है, तो आयरन हीट पड़ने से वो वहाँ से निकल जाती हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट लगाएंगे डी सोल्डर वायर को। हम जितने सिल्वर के पॉइंट हैं उन्हीं पर घुमाना है। गोल्डन पॉइंट जो होते हैं मदरबोर्ड में कनेक्ट नहीं होते, इनको रिवॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि रिवॉल्व हो जाता है तो आप इसको जो है वापस से डी सोल्डर वायर से हटा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है आप इसको ना छेड़ें तो ज़्यादा ठीक है। तो डी सोल्डर वायर के ऊपर आयरन रखेंगे 10 सेकंड तक, आपको गर्म होने देना है इसको। अब इसको हम थोड़ा सा नीचे खींचेंगे हल्के हाथ से इस तरीके से। ऐसे ही पूरी आईसी को अब क्लीन करना है। देखिए थोड़े से पॉइंट ऊपर रहेगा ना, फिर से डी सोल्डर वायर को लेके जाएंगे। रह इसीलिए जाते हैं ना क्योंकि वहाँ पर वायर जो पहुँच नहीं पाता। अब इसके चारों तरफ घुमा देंगे आईसी के, जितना पे हमारा सिल्वर है, जितनी बॉलें दिख रही हैं उन सब पे आपको घुमाना है। हाँ जो बॉल हैं इन पे दो या तीन बार घुमाते हैं बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप इसको ज़्यादा यहाँ पे घुमाओगे तो क्या होगा कि प्रिंट निकलते नहीं, आपस में शॉर्ट होने के चांस होते हैं। बस हो गया, आईसी का काम ही हो गया। इतना आईसी क्लीन हो चुकी है। अब जो आप बॉल देख रहे हैं ना उभरे हुए, ये उभरे हुए नहीं होते। इस पर क्या होता है ना, लाइट पड़ती है माइक्रोस्कोप पे, तो वो हमें ऐसा लगता है निकल रहा है। अब इसको क्लीन करेंगे थिनर से, तो पूरा प्लान हो चुका है। देखिए क्लीन किए कागज़ से या पेपर से इसको साफ करें। अब हम इस आईसी को करेंगे रिवॉल्व, और आईसी के ऊपर कोई गंदगी देखिए थोड़ा सा पॉइंट है उसको भी साफ करेंगे। बीच में कुछ है कागज़ से या किसी से भी आप कर सकते हैं। आईसी बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल क्लीन है इस समय, अच्छे से है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको रिवॉल्व कैसे करें, तो टिश्यू पेपर लेंगे, उसको रखेंगे, उसके ऊपर आईसी को रखेंगे, पीपीटी को हम लगाएंगे थोड़ा सा ड्राई सोल्ड करने के बाद में, थोड़ा सा सुखाने के बाद, और सारी चीज़ें आप देखें इसमें अच्छे से और समझें। इसे लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है इससे। जब आप काम सीख जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप किसी टूल से भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक एक्सपीरियंस अलग चीज़ है, जब आप सीखते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। अब यहाँ पर जब पीपीटी आप भरेंगे तो स्टेंसिल को जो है एक ही जगह बैलेंस बना के रखना है। देखिए इस तरीके से हमें आईसी की जो बॉलें हैं उन पर घुमाना है। बस ये ध्यान रखें कि जो सिल्वर वाले बॉल होते हैं वो बॉल हमारा कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे सारा तरफ घुमा दिए, घुमाने के बाद क्या होगा कि जब ये बॉल इसमें फंस जाते हैं ना अपनी जगह, तो हल्के हाथ से ही लगाना है। दूसरी चीज़ इसको ऊपर से आप क्लीन करें, किसी कागज़ से या पेपर से अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि हीट पड़ने पर या बहुत ज़्यादा हीट होने पर ये बाहर निकल आती हैं, आपस में शॉर्ट हो जाती हैं, तो ओवर हीटिंग से भी होता है।
तो आईसी रिवॉल्विंग करते वक्त हमें टेम्परेचर जो है हर एसएमडी का अलग होता है, तो हॉकी 122 है, तो इसको हम यहाँ पे 300 के या 350 के बीच में इसको रखेंगे, 350 पर रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चिमटी से पकड़ेंगे, चिमटी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, कोई गंदगी इसमें नहीं होना चाहिए, पीपीडी पेस्ट किसी भी प्रकार का, जिससे कि इस पर ना जाए। अब हम स्टेंसिल को या आईसी को किसी को भी पकड़ सकते हैं। एसएमडी का टेम्परेचर 300 या 350 पे आपको रखना है, तुरंत हीट नहीं लगानी है। एसएमडी का टेम्परेचर हैंडल उठाने के बाद कम से कम 10 से 15 सेकंड तक हीट होने देना है, जिससे कि वो टेम्परेचर अपनी जगह पहुंच जाएगा। जब आप इस पर हीट करेंगे तो हीट वर्क करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि जब ये आईसी के ऊपर जितना भी हमने लगाया है पीपीडी पिघल जाएगा, तो चिमटी नहीं हटानी है, जब ये पिघल जाएगा तो तुरंत हैंडल हटा देना है। आप बार बार इस पर हीट मारेंगे तो क्या होता है, वो ऊपर आ जाता है, नीचे निकल जाता है, तो जब शोल्डर पिघल गया तो आप हीट क्यों मार रहे हैं। और हीट जो मारते हैं इस पर थोड़ा दूरी से ही मारें, जिससे कि क्या होता है, देखिए देखिए बड़े प्यार से बबल बन रही हैं, पिघल रही हैं, जब ये पिघल जाएगा तो हैंडल हटा देंगे, काम ख़त्म इसका। देखिए ये पिघल चुकी है, अब हटाना है। अब आप इस पर ओवर हीटिंग करेंगे तो क्या होगा ना, वो एयर की वजह से, प्रेशर की वजह से ऊपर आ जाएंगे निकल के। अब इस समय स्टेंसिल हिलनी नहीं चाहिए, और आपको जल्दी करना है तो आप इसमें थोड़ा फूफी मार सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा जो है जल्दी जम जाए इस पर। अब इतना किए, इतना करने के बाद अब ये यहाँ पर सेट हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकालते हैं आईसी को स्टेंसिल से। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप देख सकते हैं कि आईसी रिवॉल्व हो चुकी है। अब जो उसे कि बीच में आप जो पॉइंट देख रहे हैं, जैसे कि कहीं प्रिंट निकल जाते हैं, तो आप इनको यूवी मास्क के इस तरीके से ना बना सकते हो। यदि बनाना नहीं आता तो उसका मैंने पर्सनल वीडियो डाल रखे हैं। अब आईसी रिवॉल्व होने के बाद इसको मदरबोर्ड में कैसे बिठाना है वो देखना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मदरबोर्ड है ना, इस पर हल्का सा पेस्ट लगाना है, बहुत हल्का सा, उंगली से, जिसमें पीपीडी ना हो तो इसको हल्का सा पेस्ट यहाँ पे जो हम लगा देंगे, बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल मतलब कि एक लेयर चढ़ानी है इसके ऊपर, जिससे कि जो आईसी होती है ईएमएमसी वो अपनी जगह बैठ जाए, वो इधर उधर नहीं जाए। तो बोर्ड को क्लीन करें और यहाँ पे थोड़ा सा पेस्ट लगाने के बाद, कागज़ से साफ कर लो, पेस्ट लगाने के बाद फिर आपको आईसी रखना है। आईसी रखने के बाद आपको इस पर हीटिंग करनी है, किस तरीके से करेंगे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखें और अच्छे से समझें। तो ये बहुत हल्की लेयर लगानी है, ठीक है। अब हम आईसी को यहाँ पे रखेंगे, जैसी बॉलें हैं उसी हिसाब से। आईसी को यहाँ पर रख दिए, रखने के बाद अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सेट करके हीट लगानी है। अब इसको ना हीट करेंगे। अब हीट करते समय ये ध्यान रखना है कि आईसी इधर उधर ना भागे। तो पहली जो हीटिंग होगी ना, आप कैसे लगाए दोगे ध्यान रखना है, जो आईसी है हैंडल को सीधा आईसी के बीचों बीच में रखेंगे, घुमाना नहीं है। सबसे पहले हैंडल को आईसी के बीचों बीच में रखेंगे, बिल्कुल पास से रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आईसी के बीचों बीच में बिल्कुल सीधा, आईसी के एयर जो पड़े ना आईसी के बीच में पड़े, घुमाना नहीं है, एक ही जगह रखेंगे कम से कम 30 सेकंड तक। यदि हैंडल टेढ़ा हुआ तो आईसी भी हमारी इधर भाग सकती है, इस चीज़ का भी ध्यान रखें, थोड़ा दूरी सी रखेंगे बीच में, जिससे कि क्या होगा ना, जो बीच के जो पॉइंट है वो पेस्ट जब बाहर निकलेगा साइडों से, और जो इसके जो पॉइंट है वो आपस में मेल्ट होंगे, तो हम यहाँ पे बीच में रखेंगे। देखिए आईसी ना थोड़ा सा हिला है और वो अपनी जगह पहुँचा है या नहीं पहुँचा, अब क्या करेंगे, देखो आईसी हिल रही है ना, अब आईसी के चारों तरफ घुमाना है, अब आईसी के आपको चारों तरफ घुमाना है, और आईसी को हल्का सा हिला के देख लेंगे किसी पॉइंट से, किनारे से हल्का सा। देखिए आईसी हिलाए, अपनी जगह पहुंच चुका है, तो अब आईसी जो है यहाँ पे प्रॉपर अपनी जगह आ चुका है और बैठ चुका है, ठीक है।